हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए डीएसपी म्यूचुअल फंड। हर कोई जानता है डीएसपी म्यूचुअल फंड को, एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इसने एक छोटे से शेयर यानी कि स्मॉल कैप की दुनिया के शेयर में 30,65,000 शेयर्स यानी कि 30,65,000 शेयर्स खरीदे हैं। 174 करोड़ के आसपास की ये टोटल डील बताई जा रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। लेकिन जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया शेयर है, और यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो की गई है छोटे से शेयर में। जरा देखते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की। तो जाइए अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। स्टॉक की तरफ, काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए काई, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको मैं कहता हूँ पॉली कैप का छोटा भाई, पॉली कैप इंडिया, वो काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये शेयर जो है काफ़ी स्मॉल पी पे ट्रेड कर रहा है। और मैं बहुत टाइम से इसकी, जब ये बहुत सस्ती प्राइसिंग पे था, 400 के लेवल की रेंज में था, तब से मैं आपको बता रहा था कि हाँ भाई काई बहुत सस्ता है अभी और पॉली कैप बहुत महंगा हो चुका है। तब से मैं इसके वीडियोज़ आपको बता रहा था रेगुलर बेसिस पे, आप देख सकते हो पुराने वीडियोज़। 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 534 के आसपास का प्राइस है, और यहाँ पे 665 करोड़ का इसके ऊपर डेट भी है। अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल की बात करता हूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये शेयर आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी वाइज। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप ओवरऑल रिवेन्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 800 करोड़ से रिवेन्यू ग्रो करके 4,800 करोड़ के आसपास जा चुका है। प्रॉफिट देखिए 14-11 करोड़ से का था कभी, आज 250 करोड़ के पार है। नाम है इसका और पियर ग्रुप के शेयर में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई पॉलीकैब एक बड़ा शेयर है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में नया जरूर है, ऑलमोस्ट 1,100 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पी देखा जाए दोनों का, काई एंड पॉलीकैब का, तो ये देखिए इसका पी 24 का और काई का 18 का पी है, काफ़ी सस्ता है। प्रॉफिट ग्रोथ काई का काफ़ी ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ काई का काफ़ी ज़्यादा है। दोनों का कंपेरिजन यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के शेयर हैं, और बेहतरीन सेल्स ग्रोथ, बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मैं कहूंगा कि पॉलीकैब को पीछे छोड़ देता, बट पॉलीकैब इज द लीडर इन दिस सेगमेंट, दैट्स वाई पॉलीकैब को लोग प्रेफर कर रहे हैं, और उसका पी रेशियो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तो बात नहीं है, जब मैं स्टार्टिंग में इसके वीडियोस बनाए थे तब ये स्टॉक 400 सीरीज में चल रहा था, 400 से भी काफ़ी, मतलब ये मान के चलिए कि 420 430 के आसपास, जब रिसेंट जो इसमें करेक्शन आया था उस टाइम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे कि मौका है मौका है। उसके बाद शेयर अभी रिसेंटली 580 के लेवल तक गया है, बहुत 580 के आसपास तक गया है, बहुत ही बढ़िया भाई। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी है या नहीं उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि डीएसपी ने यहाँ पे काई इंडस्ट्रीज में 174 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, और जिसमें 30,65,000 शेयर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। उसके अलावा छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी खरीदारी की गई है, लेकिन हम यहाँ पे काई इंडस्ट्रीज को देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इसमें, किन लेवल्स पे वो खरीदारी की गई होगी। अगर आप डिवाइड करोगे 174 करोड़ को तो आपको 560-570 के आसपास की प्राइसिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग देखने को मिली जब खरीदारी की गई है, क्योंकि ये नंबर्स जनवरी के हैं, तो काफ़ी सस्ती प्राइसिंग पर जो जनवरी के टाइम पर करेक्शन था वहाँ पे खरीदारी की गई होगी। अब काई इंडस्ट्रीज के शेयर को आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है, नो डाउट। 2014 में ये शेयर का प्राइस 7 रुपये का था, क्या जंप लिया इसने, ये काई इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त जंप लिया, और स्टॉक करेक्ट होता होता करेक्ट भी हुआ है, अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिला है। ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हो किस तरीके से पॉजिटिव स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल में अगर काई इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो शेयर, ये देख सकते हो वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में 2018 में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आया था तो स्टॉक में इसमें भी करेक्शन आया था, और स्टॉक काफ़ी नीचे गया था। लेकिन आप जरा इन पॉइंट्स को देखिए, इन पॉइंट्स को जब ये करेक्टर करेक्शन हुआ था इसमें, तो धीरे धीरे करके जब बॉटम टूटा शेयर नीचे गिरा, और ये मान के चलिए कि 500 के लेवल से शेयर गिर के ऑलमोस्ट 250 के लेवल पे मिलने लग गया, 50% के डिस्काउंट पे। उसके बाद शेयर में पॉजिटिविटी आती है और एक रेंज में जाता है, ये रेंज के बाद हल्का सा करेक्शन आता है, और फिर ये आपका जॉइंट कैंडल जिसको मैं कहता हूँ, एक पिन जॉइंट कैंडल के बाद फिर पॉजिटिव स्ट्रेंथ, फिर शेयर धीरे धीरे करके रैली करता हुआ मई 2019 तक 530 के लेवल तक चला जाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, फिर करेक्शन आता है, फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अभी करेक्शन की बारी है, अभी करेक्शन की बारी है, लेकिन करेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से टाइम पे वो खरीदारी हुई होगी जनवरी में। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं वीक की बात करूँ तो मुझे जो बड़े टावर्स देखने को मिल रहे हैं, आप पहले स्टॉक को जरा समझें, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का रिवर्सल, ठीक है। टेक्निकल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप खुद ऑब्जर्व कर पाओ और खुद समझ पाओ चीज़ों को। ये भाई शेयर मार्केट में जरूरी है
किसी भी टिप पे काम नहीं करना, खुद ऑब्जर्वेशन करनी है। जब आप ऑब्जर्वेशन खुद करने लग जाओ तो अब आपको लगेगा यस आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड आई एम इन द राइट डायरेक्शन, आई एम इन द राइट प्लेस, तब आपको लगेगा। अदरवाइज आप टिप पे काम करोगे तो आपको लॉस होगा, आपको झटका लगेगा, फिर आप वापस भागोगे। ये देखिए आप स्टॉक में अप मोमेंटम आता है, फिर यहाँ पे ये हाई पॉइंट यहाँ पे बनाता है जरूर, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से लो। अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो, इस लो को और इस लो को देख रहे हो, दिस इज हायर लो, अच्छी बात है। अगेन ये ब्रेकआउट आता है, एक हायर हाई बनता है, फिर एक करेक्शन आती है, एक हायर लो बनता है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक पॉजिटिविटी देख रहे हो, एक स्टॉक में स्ट्रेंथ देख रहे हो। फिर से देखिए आप, देखिए हायर हाई बनता है, फिर से करेक्शन आता है, देखिए लो बनता है, हायर लो बनता है, फिर से पॉजिटिविटी आती है, देखिए हायर हाई बनता है। अभी क्या है, ये देखिए एक हायर लो है। अब आपको स्टॉक में देखिए पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा नीचे तक करेक्शन जा सकता है, लेकिन इस करेक्शन का आप फायदा उठा सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, दिस स्टॉक इज इन द इम्पल्स फेज। अब आप कहोगे इम्पल्स, व्हाट इज द इम्पल्स फेज? देखिए यहाँ पे आपको मैंने हमेशा बताया कि भाई कोई भी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये इम्पल्स है आपका, ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, इम्पल्स है करेक्टिव है। तो आप देख सकते हो इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव। अब ये इम्पल्स फेज में है, दिस स्टॉक इज इन द इम्पल्स फेज। अगर ये इम्पल्स यहाँ पे बीच में, इम्पल्स के बीच में भी हल्के फुल्के करेक्शन आते हैं, वो आपको देखना है, वो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और क्लियर पिक्चर होगी। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इम्पल्स करेक्टिव किस तरीके से बन रहे हैं। तो आपने देखा भाई स्टॉक में स्ट्रेंथ जरूर आती है। सबसे पहले स्टॉक में अगर मैं देखूँ तो 2019 के टाइम फ्रेम में भी बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई थी, ये बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर आपको सब कुछ बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे जनवरी की बात है और जनवरी में खरीदारी की बात हो रही थी, तो जनवरी में ये स्टॉक देखिए 614 का लेवल, जो अक्टूबर 2019 में इसने पीक टच किया था, उसके बाद बड़ी करेक्शन हुई थी और ये स्टॉक वापस 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया था। जब आया था तो बॉटम के आसपास खरीदारी के टावर, आप बड़े बाइंग के वॉल्यूम आप देख सकते हो। जी इतनी बड़ी करेक्शन हुई थी, 614 के लेवल से स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 434 के आसपास जब ये आया था, तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया था। यहाँ पे जो पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, ये यहाँ पे खरीदारी की गई है। अगर आप देखें यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम के आपको बाइंग टावर्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ के साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2020 के बाद एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई है, लगता है किसी ने बेचा है, तो उसके बाद बड़ी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मैं अगर एवरेज प्राइस 174 करोड़ के हिसाब से लगाऊँ हिसाब हिसाब किताब, तो मुझे लगता है कि जनवरी सीरीज में ये बाइंग के जो टावर्स देखने को मिल रहे हैं, ये बड़ी खरीदारी यहाँ पे की गई है। लेकिन जरा इस स्टॉक को देखें और समझने की कोशिश कीजिए, इतने बड़े लेवल से, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन, जो आपको ये बड़ा पिन बार वाली चीज़ देखने को मिल रही है ना, ये बड़ी बड़ी पिन बार वाली कैंडल, तो ये प्राइस रिजेक्शन का यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। देखिए प्राइस रिजेक्ट किया गया और शेयर नीचे आया। जरा यहाँ पे पहले रिवर्सल को देखें, देखिए यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन बनी और ये स्टॉक नीचे आता है, फिर से ये पीक बनाता है, फिर से नीचे आता है। अब ये जो मेजर इसकी नेकलाइन थी, ये टूटती है, यहाँ पे लोअर लो बनता है और फिर से जो स्टॉक वापस आता है, तो लोअर हाई ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे लोअर हाई बन के आपको एग्जिट का मौका दिया। एग्जिट का मौका देने के बाद शेयर काफ़ी नीचे आया, नीचे आने के बाद बॉटम बना, बॉटम बनाने के बाद हमारे पास देखिए हाई बना, हाई के बाद ये देखिए हायर लो बना और फिर से देखिए हायर हाई, ये यहाँ पे एंट्री का मौका। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन बनती है, आप सीखें जरा, ये काम की चीज़ है। और इस तरीके से टेक्निकल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो मैंने बना रखी है मेंबरशिप में, उसमें बना रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो, सीख सकते हो और शेयर ने क्या जंप दिया। और इस जंप के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, मुझे देखिए बियरिस एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, इसका मतलब कि स्टॉक में जो है करेक्शन मोड आ रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखो तो ये पर्टिकुलर जो इम्पल्स लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक की, भाई इतनी बड़ी जंप है, इसमें कुछ तो करेक्शन चलता है जो होना चाहिए। और ये करेक्शन 580 के लेवल से ऑलरेडी 520 के लेवल तक, यानी कि ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपये के बीच में करेक्शन आ चुका है। और एक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है अभी। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं आती है, इसमें ज़्यादा नीचे जाता है, तो एक सोचने वाली बात हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस टाइम फ्रेम में, मुझे इस बाइंग के अलावा यहाँ पे सेलिंग के वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टॉक में स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ताकि अगर इस स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिलेगा तभी ये यहाँ पे इस लेवल को, इस ब्रेकआउट को 580 को पार कर पाएगा। फिलहाल शेयर्स तो खूब खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड के द्वारा, लेकिन अभी मैं कहूँगा अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक स्ट्रॉन्ग अभी जो ये डाउनफॉल है, इसको थोड़ा सा कोशिश करें कि ये डाउनफॉल का जो है रिजोल्यूशन मिले और उसके बाद ही इसमें एंट्री करने की कोशिश करें। अब रिजोल्यूशन के लिए हमको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा गिरावट है, 60 रुपये का ऑलरेडी गिरावट है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बड़ी लाल कैंडल बनी थी, जो कि खतरे की घंटी थी आवरली में, और ये देखिए धीरे धीरे करके फिर से लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो बनता है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ जाता है। अभी फिलहाल जो मैं कहूँ, पहले तो इस स्टॉक के लिए रिजोल्यूशन के लिए 544 का लेवल पार करना जरूरी है, क्योंकि ये हाई वाला पॉइंट पार हो जाएगा।
अगर आप एंट्री लेना चाहते हो। लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ पे बड़े बड़े सेलिंग के टावर देख पा रहा हूँ टाइम टू टाइम पे, तो ये काफी थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर है। उसके बाद अगर ये टावर पार होता है तो अगला टावर हमारे पास है 552 का, 552 से 56 का ये रेंज पार होना जरूरी है। तो ये धीरे धीरे करके जब इनको पार करेगी चीजें, तब आपकी थिंग्स रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मेजर चीज यहाँ पे 564 के लेवल पे जो ये लेवल है, ये भी पार अगर होता है तो आपका रिजोल्यूशन और कन्फर्म होता रहेगा। तो ये चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो। तो आप देखिए, शेयर बढ़िया है, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है, लेकिन अभी फिलहाल करेक्टिव मोड में चल रहा है, तो करेक्टिव मोड रिजॉल्व होना जरूरी है एंट्री के लिए। लेकिन अगर शेयर में गिरावट आती जाती है और ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यानी कि 500 रुपीज के आसपास आता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और बढ़िया हो सकती है। लेकिन आपको इस तरीके से जो है रिवर्सल का इंतजार करना है और पॉजिटिव होने का इंतजार करना है, तभी एंट्री लेनी है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से टेक्निकल अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।